ब्रेमेन जर्मनी और इंटरलाकन स्विट्जरलैंड के आसपास सुने गए संभाषण के विशिष्ट रूपों को जर्मन भाषा की क्षेत्रीय बोलियां माना जाता है। और फिर भी जब ब्रेमेन का कोई व्यक्ति स्विस एल्प्स का दौरा कर रहा हो, स्थानीय लोगों के बीच वो जो बातचीत सुनते हैं वो शायद उनके लिए समझ से बाहर हों। इसी तरह चीन के बाहर मैंडरिन और कैंटोनीज को अक्सर चीनी बोलियों के रूप में संदर्भित किया जाता है, हालांकि ये स्पैनिश और इतालवी से भी अधिक भिन्न है। दूसरी ओर डेनिश, नॉर्वेजियन और स्वीडिश के वक्ता, जो तीन अलग अलग भाषाएं हैं, आमतौर पर अपनी मातृभाषा में एक दूसरे के साथ संवाद कर सकते हैं। और तुर्की भाषा के सोप ऑपरा डबिंग या सबटाइटल के बिना ब्रॉडकास्ट अजेरी भाषी अजरबैजान में कुछ सबसे लोकप्रिय शो हैं। तो संभाषण को बोली बनाम भाषा कब माना जाता है? ये उचित लगता है कि पारस्परिक सुगमता की डिग्री निर्धारित करेगी कि बोलने के दो तरीकों को अलग भाषाओं के रूप में वर्गीकृत किया जाए या एक ही भाषा की बोलियों के रूप में। लेकिन जैसा कि हमने देखा है, ऐसे कई अवसर हैं जहां ऐसा नहीं है। शायद आश्चर्यजनक रूप से एक भाषा और एक बोली के बीच का अंतर आमतौर पर उच्चारण, शब्दावली या किसी अन्य भाषाई विशेषता से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि ये संयोग से भी नहीं है, ये राजनीति की बात है। आधिकारिक तौर पर भाषा किसे मानते हैं, इसका आधार 1500 की शुरुआत में एक यूरोपीय राष्ट्र राज्यों के उद्भव से बना। केंद्रीकृत सरकारों को स्थापित करने और बनाने, स्पष्ट क्षेत्रीय सीमाएं और राज्य प्रायोजित शिक्षा प्रणाली के लिए कई राष्ट्र राज्यों ने एक मानकीकृत भाषा को बढ़ावा दिया। संभाषण के किस रूप को मानक भाषा चुनना है, आमतौर पर लोग राजधानी में क्या बोलते थे, इस पर आधारित होता, और जबकि संभाषण के अन्य रूप बने रहे उन्हें अक्सर हीन माना जाता था। ये परंपरा यूरोपीय उपनिवेशों के साथ दुनिया भर में फैली और आधुनिक समय में भी। उदाहरण के लिए इटली में लगभग 15 बोलियां हैं जिन्हें क्षेत्रीय बोलियां कह सकते हैं। उनमें से एक फ्लोरेंटाइन बोली को 1861 में देश के राजनीतिक रूप से एक होने पर मानक इतालवी के रूप में जाना जाने लगा। इसे इसलिए चुना गया क्योंकि दांते और माकियावेली जैसे महान लेखक अपने मूल कार्यों में इसे इस्तेमाल करते थे और ये इतालवी राष्ट्रीय पहचान की छवि की प्रतिनिधि बन गई, जिसे कुछ लोगों ने विशेष रूप से वांछनीय पाया। बाद में एक एकीकृत फासीवादी राज्य स्थापित करने के अपने प्रयास में इतालवी तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी ने भाषा मानकीकरण को एक महत्वपूर्ण उद्देश्य के रूप में देखा। उसकी सरकार ने अन्य प्रकार के भाषणों को पिछड़ा और अपरिष्कृत घोषित कर सार्वजनिक क्षेत्र में उपयोग प्रतिबंधित करते हुए मानक इतालवी को बढ़ावा दिया। नौकरी के आवेदन से लेकर अदालती गवाही तक हर चीज में मानक भाषाएं दुनिया भर में द्वारपाल के रूप में कार्य करती हैं। उदाहरण के लिए 1999 के एक अध्ययन से पता चला कि मकान मालिकों ने अपार्टमेंट की पूछताछ का जवाब उनके संभावित किराएदारों ने किस भाषा का इस्तेमाल किया इससे दिया। जब कॉल करने वालों ने अफ्रीकी अमरीकी वर्नैक्युलर अंग्रेजी या AAVE बोली, मकान मालिकों द्वारा उनकी पूछताछ को अस्वीकार करने की अधिक संभावना थी। जब वे तथाकथित मानक अमेरिकी अंग्रेजी बोलते थे, जो अक्सर श्वेत रंग से जुड़ा होता है, मकान मालिकों ने और सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। संभाषण के इन दोनों रूपों को अंग्रेजी बोलियां माना जाता है। यूनाइटेड स्टेट्स में कुछ लोगों ने AAVE को मुख्य धारा की अमेरिकी अंग्रेजी के गलत या सरलीकरण संस्करण के रूप में माना है, लेकिन AAVE लगातार व्याकरणिक नियमों का पालन करती है और अंग्रेजी के अन्य रूपों की तरह परिष्कृत भी है। भाषाविद बोली शब्द से पूरी तरह परहेज रखते हैं। इसके बजाय कई लोग भाषण के विभिन्न रूपों को किस्में कहते हैं। इस तरह भाषाओं को किस्मों के समूह के रूप में देखा जाता है। तो अंग्रेजी भाषा मानक ब्रिटिश और अमेरिकी अंग्रेजी, AAVE, नाइजीरियाई अंग्रेजी, मलेशियाई अंग्रेजी और कई अन्य सहित विभिन्न किस्मों से बनी है। प्रत्येक का अपना अनूठा इतिहास और विशिष्ट उच्चारण, शब्दावली और व्याकरणिक संरचनाएं हैं। लेकिन किस्मों के बीच विभाजन रेखा धुंधली है। मानव भाषा अपने सभी पार परागण में हमेशा विकसित होने वाली महिमा में स्वाभाविक रूप से इसे साफ साफ हिस्सों में छांटने के लिए आवेग का विरोध करती है। अक्सर संभाषण के रूप एक प्रकार की भाषाई निरंतरता पर मौजूद होते हैं, जहां वे दूसरों के साथ अधिव्यापन करते हैं और उनके बीच के अंतर धीरे धीरे आते हैं, न कि स्पष्ट रूप से। और ये मानव संचार के गतिशील, विविध और चकाचौंध भरे ब्रह्मांड की जटिल सुंदरता है। तो भाषाएं सबसे पहले कैसे विकसित हुई, इस वीडियो से जानें। और अगर आप हर हफ्ते कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।